प्रणव फटाफट नाश्ता करो बेटा, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। स्क्रैम्बल्ड एग अच्छा बना है? स्क्रैम्बल्ड एग तो अमूल बटर ये वाला तो खत्म हो गया। अच्छा है दूसरा डब्बा मेरा लाया हुआ पड़ा था। दो तुम्हारा ब्रेड दो, थोड़ा बटर लगा देती हूँ। फ्रिज में था ना, तो थोड़ा सा आज लेट हो गया मुझे फ्रिज से निकालने में, इसलिए देखिए पूरा जम गया है। तो पनव को तो आज मैं यही ब्रेकफास्ट करा के भेज रही हूँ, बिकॉज इसने बोला इसको दूध नहीं पीना है, तो आज ही यही खा के जा रहा है अंडा ब्रेड। तो क्या होगा, पेट भी भरा रहेगा एंड सुबह का डोज ऑफ प्रोटीन भी हो जाएगा। पनव खा रहा है स्क्रैम्बल्ड एग, इसने बोला मम्मा मुझे स्क्रैम्बल्ड एग दो, एंड मैं खा रही हूँ एग पोच, बिकॉज मुझे हमेशा से एग पोच ही पसंद है। हो गए हम लोग रेडी हड़बड़ी में, एंड पनव को रेडी कर दिया मैंने, तो बस अभी जा रहे हैं पनव को कारपूल में ड्रॉप करने। एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है थर्सडे, तो हैप्पी थर्सडे टू यू ऑल। एंड बस जा रही हूँ अभी पनव को कारपूल में ड्रॉप करने, एंड उसके बाद आके आप लोगों से बातें करेंगे। देखो कैसे निश्चिंत में सोया हुआ ये। तो गाड़ी खड़ा है तेरा, चलो चलो जल्दी चलो, गाड़ी खड़ा है तुम्हारा, देखो सीधा। हाय फ्रेंड्स, बज गया है दिन का 12:30 एंड बाहर का वेदर अभी काफ़ी ख़तरनाक है। मतलब इतना देर तक तो नॉर्मल वेदर था, धूप उतना नहीं था, थोड़ा बहुत था, बट बाहर में अभी पूरा मतलब ब्लैक ब्लैक हो गया है, पूरा स्काई एकदम हाफ ब्लैक हो चुका है एंड पूरा अंधेरा छा गया है। मैं एक बार दिखा रही हूँ आपको बाहर का नज़ारा। एंड मेरा नहाना पूजा करना बहुत पहले ही कम्प्लीट हो गया है, फिश मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया है। कल मैं आते वक्त वापस आते वक्त एक काम से गई थी, वहाँ से वापस आते वक्त मैं फ़िश और चिकन लेके आई थी, तो दिन में मैं बनाने वाली हूँ फ़िश करी एंड राइस। एंड अभी मैं बस बना रही थी कुछ रील्स, तो रील्स बनाना मेरा हो गया है, अभी खाना बनाने जाऊँगी। बट बाहर का वेदर एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को, तो ये देखिए बाहर का अवस्था देखिए, हवा चल रही है एंड स्काई पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है, पर कैमरा में ना एक्चुअली सब चीज़ जस्टिफाई नहीं होती है। देखिए देखिए स्काई का कलर देखिए। कपड़ा भी उतार लेना पड़ेगा सब, वरना सब गीला हो जाएगा, सब ऑलमोस्ट सब सूख ही गया है, तो फिर उतार लेती हूँ, सब सूखा कपड़ा सब गीला हो जाएगा। पर आपका ये टी शर्ट अच्छे से सूखा नहीं है, आधा गीला है लगता है, ये जो टिप टिप करके बारिश हो रही है ना, इसी वजह से इसका कपड़ा अब गीला होना चालू हो गया है। चालू हो गई है जोर से, वो भाग रहे, देखिए जोर से चालू हो गई है, ये देखिए स्काई का कलर देख रहे हैं आप लोग, ऐसा एकदम ग्रेश हो गया है, पूरा ग्रे हो गया है। और भी कपड़ा पड़ा है, सबसे बुरा बात यह है कि जस्ट अभी एक घंटा नहीं, आई थिंक 50 मिनट में मैं पनव को लाने जाने वाली हूँ। हाँ 50 मिनट के अंदर मैं पनव को लाने जाने वाली हूँ, एंड पनव का आने का टाइम हो गया है बेचारे का, एंड इसी वक्त बारिश को आना था, सुबह से नहीं आ पाया है, इसका टाइमिंग अभी है जब बच्चे लोग का घर लौटने का टाइम है, तो क्या उपाय है, छाता लेके जाना पड़ेगा और उपाय तो है नहीं। अभी तो लग रहा है ये बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है क्या, आई डोंट नो, क्योंकि अभी मई का मंथ चल रहा है, नॉर्मली जून तक आता है बारिश। एंड बिजली कड़कने का आवाज़ आ रहा है आप लोग को, बहुत जोर का बिजली कड़क रहा है।
तो फ्रिज का स्विच भी बंद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर फ्रिज ना खराब हो जाए। हाँ तो ये है फिश, ये मैं कल लेके आई थी, तो इससे बस दो ही पीस बनाऊंगी आज मैं, दो पीस का ग्रेवी बनाऊंगी मैं। ये शुरू हो गया काफी जोर का, अभी एक घंटे तक तो चलेगा। तेल गर्म हो गया लग रहा है, इधर चावल भी चढ़ा दिया मैंने धो के, एंड एक फिश तो फ्राई हो चुका है, ये दूसरा वाला हो रहा है। तो इसमें ना मैंने एक बोल में ऐसा टीस्पून में 1 टीस्पून जीरा पाउडर एंड 2 टीस्पून धनिया पाउडर को पानी में मिक्स करके इसका ग्रेवी बना रही हूँ। तो इसको पानी में मिक्स करके मैंने डाल दिया, अभी ये ग्रेवी जब फूटने लगेगा, मतलब फूटने इन द सेंस मतलब जब उबलने लगेगा ना, तब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा टोमेटो सॉस एंड थोड़ा सा नमक डालूंगी इसमें, थोड़ा सा चीनी डालूंगी। अब देखिए ये उबल गया है, अब इसमें मैं डालने वाली हूँ टोमेटो सॉस। अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी एंड फिश को अभी इसमें डाल दूंगी, फ्राइड फिश को डाल दूंगी। तो फिर क्या होगा ना, ग्रेवी के फिश के अंदर ग्रेवी का वो फ्लेवर चला जाएगा, एंड इसको अच्छे से अभी उबलने दूंगी। तो यहाँ पर मैंने गैस को एकदम धीरे कर दिया है एंड अभी एक ढक्कन से ढक दूंगी, तो क्या ये अच्छे से फिश बॉईल हो जाएगी। तो बज गया है 1:18 एंड मैंने चेंज कर लिया है, जाऊंगी पनव को लाने। एंड बाहर अभी वेदर काफी साफ हो गया है, थोड़ा थोड़ा तो ड्रिजलिंग हो ही रहा है, बारिश हो ही रहा है, पर छाता तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो दोनों ही गैस मैंने बंद कर दिया बिकॉज पहले पनव को लेके आऊँगी, उसके बाद बाकी का जो खाना पकाना है वो बाकी का कर लूँगी। ऑलमोस्ट 70% तो डन है, तो बस जाती हूँ पनव को लेके आती हूँ। दो दो छाता लगेगा। नया साबुन देखा? हाँ। अब तुम अच्छे से नहा लो नया साबुन से, ठीक है? ठीक है, मेरे को दिखाना मत, ठीक है? तो पनव को तो लेके आ गई मैं, और ये बाहर बरामदा में दो छाता तो मैंने सुखा दिया, पर अभी इतना जोर का बारिश हो रहा है, इसको सुखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। पर छाता गीला है तो यहाँ पर ही रखूंगी मैं, घर में रखूंगी तो घर पूरा गीला गीला हो जाएगा। तो पनव तो हो गया है फ्रेश, नहा धो के फ्रेश लग रहा है ना बेटा अभी? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जूस भी दे देती हूँ। हाँ? इतना टिफिन में बचा के लाया है क्या? हाँ तुम खाओ। दो मेरे को, दो एक पीस। तो ये फिश करी भी बन चुका है, इसको भी एक बाउल में डाल देती हूँ। बहुत ही आसान सा अच्छा यम्मी एंड हेल्दी फिश करी है। तो ये हो गया राइस एंड फिश करी। अब इधर आओ,
एक बार तुम्हारा फोन का टाइम दिखाओ, तुम्हारा फोन में एक बार टाइम दिखाओ कितना बज रहा है, दिखाओ दिखाओ मेरे ऑडियंस को दिखाओ, ऑडियंस को दिखाओ टाइम, घुमा दो फोन इस तरह से कोई देता है, घुमाओ घुमाओ टाइम, देखिए फ्रेंड्स कितना बज रहा है, 3:30 PM देख पा रहे हैं आप लोग, 3:30 PM। और ये देखिए ये पनव का लास्ट बाइट चल रहा है अभी भी, 1 घंटा से खिला रही हूँ इस बच्चे को, देखिए ये देखिए मेरा कप का खत्म हो गया, इसका चल रहा है, लो भाई लास्ट बाइट तक खिलाती है मम्मा आपको, फिर भी पता नहीं ये बच्चा इतना दुबला पतला क्यों है। टीम कैसे करते हैं बताओ, कैसे टीम करते हैं, पहले तुम्हें डॉगी का खाना, डॉगी का पानी और डॉगी को मूस देना पड़ेगा, तो फिर वो सबको जब खाएगा तो फिर वो पेट में टीम हो जाएगा। मतलब डॉगी का खाना, मतलब अभी जो तुम बोल रहा था बोन्स, बोन्स देना पड़ेगा ना, बोन्स और खाना पानी, तो फिर वो मजे से सोचेगा कि कम से कम और अगर कभी हम लोग कलकत्ता से बाहर जाए, कहीं बाहर घूमने जाए, तो फिर कुत्ता कुत्ता नहीं सॉरी डॉगी डॉगी को कहाँ छोड़ के जाएंगे फिर हम लोग, डॉगी को नानी उसके घर में छोड़ देते हैं, उसको बोलेंगे कि नानी उसमें मैं बोल रहा हूँ कि तुम अच्छे से रहना हमारे, उसको बोलेंगे कि तुम अच्छे से रहना। हाँ, फिर वो सोचेगा कि सर तुम रो रहा है, सर मम्मी और पापा काम करने चले गए, वो पापा। अभी तक मतलब ये ब्लॉग में तो मैंने कुछ दिखाया ही नहीं अभी तक, इतना देर तक पनव कम से कम 20 मिनट से एक डॉग का कहानी सुना रहा है मुझे कि हम लोग के पास डॉग होता तो ये होता, हम लोग ये करते ये नहीं करते, ये खिलाते ये पिलाते घुमाते, एंड फिर तुम जब बुढ़ी हो जाती, वो मेरा बुढ़ापे तक भी पहुंच गया, मुझे बोला तुम जब बुढ़ी हो जाती तब वो डॉग मुझे आके कुई कुई करके बोलता मम्मी को हॉस्पिटल लेके चलो, फिर मैं तुमको हॉस्पिटल लेके जाता, मतलब वो मेरा बुढ़ापे तक पहुंच गया, मतलब पनव को इतना शौक है डॉग पालने का कि पनव सोच रहा है कि पनव अभी अगर डॉग लेगा तो वो डॉग मेरा बुढ़ापे तक जिंदा रहेगा, सोचिए। बेटा तुम आपको पता है एक डॉग का लाइफ लाइन खाली 15 ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स तक होता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको याद नहीं होगा नानी हाउस में दो दो डॉग था, आप तो बहुत खेलता था उन लोगों के साथ, मेरे मम्मी के घर में दो दो डॉग्स थे, वो लोग एक तो शायद 14 ईयर्स एक 15 ईयर्स ऐसा, मतलब दोनों का इतना लाइफलाइन था, एक तो 14 ईयर्स में एक्सपायर कर गया एक 15 ईयर्स में, तो बहुत साल तक हम लोग डॉग्स पाल चुके हैं एंड बहुत कुछ फेस कर चुके हैं, बहुत उन लोग का सेवा करना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है, दवाई डॉक्टर बहुत कुछ करना पड़ता है, एंड लास्ट में जब वो लोग बीमार हुए थे एक अजीब बीमारी में, वो लोग बेडसोर होके मतलब एक्सपायर हुए थे, मतलब एक साल तक जो बड़ा वाला डॉग था पेप्सी नाम था उसका, तो एक साल तक ना वो बेडसोर था, मतलब वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाता था, एकदम मतलब बुढ़ापे में मतलब वो एक्सपायर किया था, एंड फिर बहुत दुख होता है, सही में बहुत दुख होता है, एंड एक छोटा वाला डॉग था, छोटा वाला मतलब उसी की सिस्टर थी, एक साल छोटी थी, तो वो शायद 14 ईयर्स में एक्सपायर की थी, उसका भी सेम केस, मतलब 1 ईयर तक वो लोग बिस्तर से मतलब उठ ही नहीं पाते थे, इस तरह का हालत था, एंड रात रात भर चिल्लाते थे दर्द से, बहुत बार डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता, डॉक्टर को घर पे बुला के बहुत सारे इंजेक्शन देना पड़ता था, मतलब बहुत कुछ फेस किया हम लोगों ने, तो इसीलिए मेरा तो कभी भी और मन नहीं है कभी भी डॉग्स पालने का, बिकॉज डॉग्स जो है ना, मैं भी एक्चुअली फेस वॉश करके आई हूँ, पता नहीं थोड़ा गर्मी जैसा लग रहा था, एक्चुअली डॉग्स जो है ना वो बहुत डेलिकेट चीज़ है, बहुत अच्छे से उनको पालना पड़ता है,
बहुत देखभाल करना पड़ता है, एंड अगर उनको छोटा सा भी आँच आ जाता है या लग जाता है या कुछ भी कट हो जाता है ना, तो इंसान मतलब जो सही में डॉग से प्यार करता है एंड सही में देखभाल करता है, जैसे कि मैं बहुत देखभाल करती थी उन लोग का, डॉक्टर के पास लेके जाना सब चीज़, तो कुछ भी अगर उनको हो जाता है ना तो फिर बहुत तकलीफ होता है, बहुत दुख होता है। तो मैं तो पाल चुकी हूँ दो दो, मेरे फ्रेंड के घर से ही आई थी दो दो डॉग्स, एक का नाम था पेप्सी एक का नाम था सिमी, तो मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस है डॉग्स पालने का, दर्द क्या होता है, फीलिंग्स क्या होता है, इमोशंस क्या होता है, मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस है। तो पना मेरा तो एकदम ही मन नहीं है फिर से वापस डॉग पालने का, बिकॉज मैं बहुत कुछ सह चुकी हूँ, तो मेरा तो मेरे तरफ से अ बिग बिग नो, मैं तो कभी भी डॉग्स नहीं पालना चाहूंगी। पालना पड़ेगा नहीं तो फिर आपको अकेले देखना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं, आप पाल लोगे फिर आप मम्मी के भरोसे छोड़ दोगे, क्योंकि बहुत देखभाल करना पड़ता है उनका, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, फिर शाम का नाश्ता, फिर रात का खाना टाइम से देना पड़ता है। एंड उन लोग का एक चीज होता था, अगर हम लोग कभी भी मतलब जानबूझ के देखते थे, उन लोग का एक टाइम होता था, जैसे कि लंच का टाइम उन लोग का सुबह का 12 बजे था, हम लोग लेट से करते थे, तो जैसे ही घड़ी में 12 बजता था ना, वो एक डॉग होता है उसका नाम है सिमी, वो क्या करती थी, वो छोटी वाली जो सिमी थी वो क्या करती थी, जैसे ही घड़ी में 12 बजता था वो ऐसे चिल्लाने लग जाती थी, मतलब घड़ी का टाइम के हिसाब से उन लोग का दिमाग इस तरह से सेट है, उन लोग का घड़ी देखना तो आता है नहीं, पर घड़ी के टाइम के हिसाब से वो घड़ी के सामने ना खड़ों के वो ऐसे चिल्लाने लग जाती थी, एंड सामने अगर हम लोग सब बैठे हुए और किसी के पास भी आके चिल्लाती थी, कभी मेरे पापा के पास, कभी मेरे पास, कभी मेरे मम्मी के पास, या तो कभी मेट्स के पास जाके चिल्लाती थी, मतलब मुझे खाना दो मेरा टाइम हो चुका है, मतलब ये चीज तो इतना अजीब लगता था हम लोग को कि इन लोग को घड़ी देखना नहीं आता, पर रोज एक ही टाइम में, मतलब रात को डिनर के टाइम में, सुबह लंच के दिन में, लंच के टाइम में, वो हर रोज एक ही टाइम में मतलब आके भौंकती थी, मतलब खाने के लिए, एंड मतलब रिक्वेस्ट करती थी कि मेरा टाइम हो चुका है मुझे खाना दे दो। हाय फ्रेंड्स, बज गया है रात का 8 एंड मैं जस्ट अभी अभी रात का सब्जी बना के आई हूँ, रात का सब्जी मैंने बना लिया, मासी भी जस्ट अभी काम करके गई है, तो मासी के रहते रहते ही मैं कोशिश करती हूँ रात का सब्जी बना लेने की, क्योंकि किचन से मुझे डर लगता है कीड़े मकोड़ों से, तो मैंने बना लिया रात का सब्जी एंड बच गया है 8, तो इतना जल्दी तो डिनर नहीं करेंगे, कम से कम 8:30-9 बजे तक डिनर करेंगे, उसके पहले नहीं, एंड कल है पनव का स्कूल एंड वेदर अभी भी काफ़ी ख़राब है बाहर, क्योंकि बिजली भी कड़क रही है, बारिश भी हो रहा है, एंड अगर कल इस तरह का मौसम रहेगा तो कल मैं ऑब्वियसली सुबह को, अगर इस तरह का मौसम रहेगा पनव जब स्कूल में जाएगा उस वक्त, तो मैं ऑब्वियसली पनव को स्कूल कल नहीं भेजने वाली हूँ, क्योंकि बारिश में गीला होके वो जाएगा कारपूल में बैठेगा, फिर स्कूल में रहेगा गीला कपड़ा में, फिर आएगा तो क्या होगा ना, फिर बच्चा बीमार पड़ जाएगा, तो इसी वजह से मैं नहीं भेजूंगी अगर बारिश हुआ तो। एंड आज भी बेचारा छाता माथे में लेके आया है, मैं दो छाता लेके गई थी इसको स्कूल से लाते वक्त, तो एक तो मैंने इसको दिया, एक मैंने खुद लिया था, पर फिर भी उसका बैग गीला हो गया, फिर चप्पल वगैरह जूता वगैरह गीला हो गया, अभी जूता को अंदर लाके बाहर छोड़ दिया था मैंने, अभी उसका अंदर लाके मुझे पंखा के नीचे सुखाना भी पड़ेगा, तो देखती हूँ ये सब कुछ है। एंड यूनिफॉर्म भी उसका जस्ट अभी आधा घंटा पहले ही धुला है, तो इसको यूनिफॉर्म भी रात भर पंखा चला के सुखाना पड़ेगा, पर अगर कल सुबह बारिश हुआ तो ये सब करके फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि सुबह अगर बारिश होगा तो मैं पनव को डेफिनेटली कल स्कूल नहीं भेजने वाली हूँ, कल तो इसका लास्ट स्कूल है। एंड देखती हूँ, अभी मैं एक्चुअली थोड़ा देर के लिए लाइव आऊंगी, रात को 8 से 9 या 9 से 10 के बीच मैं कोशिश करूंगी हर दिन थोड़ा सा लाइव आने की, अपना व्यूअर्स के साथ अपने एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, बिकॉज बहुत दिन हो गए मैं मेहनत कर रही हूँ, अभी भी उस तरह का सक्सेस मुझे नहीं मिला है, तो बस मैं लाइव आऊंगी, एंड अगर आप लोग को नोटिफिकेशन मिले मेरा लाइव आने का तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कल मैंने आप लोग को बोला था कि मेरा पनीर भुर्जी का रेसिपी जो की है मैं अपना शॉर्ट वीडियो में शेयर करूंगी, तो आज जो शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया हाउ टू मेक पनीर भुर्जी एट होम हेल्दी रेसिपीज बोल के, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें व्यूज भी काफी अच्छे हैं, तो आप लोग वो शॉर्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आप लोग को पनीर भुर्जी का रेसिपी चाहिए तो।
और क्या बोलूँ, और कुछ है नहीं बोलने के लिए, बस यही है अपडेट मेरा लाइफ का। एंड इस व्लॉग को मैं अभी यहाँ पर एंड करना चाहूंगी क्योंकि सुबह से मेरा व्लॉग चालू हुआ है, दिन से हाँ थोड़ा लेट से चालू किया था, नहीं सुबह से चालू है, पर अब जब स्कूल जा रहा था तब से मैंने व्लॉग करना स्टार्ट किया। तो बस थोड़ा थोड़ा अपना लाइफ का सारा मोमेंट्स शेयर करूंगी आप लोग के साथ, एंड बस अपना सपोर्ट बना के रखिएगा, एंड थोड़ा सा ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, एंड लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर मन करेगा तो, एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों के साथ फिर से एक नए व्लॉग में कल, बाय बाय।